Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن الله يقول في كتابه إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات सदाकल मौलान लाजीम मेरे मोहतरम दोस्त बुजुर्ग अल्लाह रब्ल औरतों की वसीले से औरतों में से वो औरत जो उम्मा हातुलमोमिन हजरत उम्म सलमान रजी अल्लाह तू इनकी वसीले से अल्लाह रबालत ने तुम्हें इतना बड़ी रुतबाता फरमाया एक दिन हज सलमा रजी अल्लाह तला रसूल अब्बुल अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हुए अल्लाह की ख़दमत में अल्लाह के रसूल की ख़दमत में फरमाने लगे या रसूल अल्लाह साम औरतों का तस्करा ही नहीं है कुरान में अल्लाह अकबर क्या हम औरतों की तस्करा कुरान में नहीं है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे बारे में कोई तस्करा नहीं किया तो रजी अल्लाह हैं के एक दिन मैं अपने हुजरा में बैठी हुई थी रसूल मकबूल मिंबर के किनारे में जाकर यह आयात पढ़ रहे थे किताब ही इनअल मुस्लिम इन मुस्लिम अल्लाह ने इतने बड़े रतबा औरतों की दी है के फरमाबरदार औरतें मर्दों और फरमाबरदार औरतों मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों कैनात करने वाले मर्दों और कैनात करने वाले औरतें खुशूगुजू करने वाले मर्दों और खुशूगुजू करने वाली औरतें सदका करने वाले मर्दों और सदका करने वाले औरतें और सबर करने वाले मर्दों और सबर करने वाले औरतों के बारे में क्या दलू कि अल्लाह इज्जत ने उनके लिए बख्शिश के इनाम बख्शिश की खुशखबरी सुना दी है बहुत बड़े अजर अजीम की बात सुनाया क्या आद्ला तुन अजरन आजीमा जो फरमदार मर्दों और फरबरदार औरतें और मोमिन मर्दों और मोमिन औरतें तैनात करने वाले मर्द तैनात करने वाले औरतों और इसी तरीके से सदका करने वाले मर्दों सदका करने वाले औरतों और सबर करने वाले मर्दों सबर करने वाले औरतों और खाशे मर्दों खाशे औरतें के बारे में अल्लाह ने अल्लाह ने तैयार करके रखे उनके लिए क्या है मकफिरत और अजर आजीम का जो इनाम है यह हजरत उम्म सलमान रजी अल्लाह वजह से हासिल हुआ है औरतों को एक मकाम में एक आयात में वजी अंदाज में औरतों का मर्दों साथ के साथ जिक्र फरमायाबुल्जत ने फलान तय बतन वालिमा जो शख्स कोई नेक काम करेगा का हुआ मर्द हो या औरत मन आमिलान जो शख्स कोई नेक काम करेगा नंसा या मर्द हो या औरत वह हुआ मोमिन और जिस हाले के वो ईमान रखता हो यानी ईमानदार मोमिन हो या मोमिना हो तो अल्लाह रबुल्जत उनकी बारे में फरमाएंगे क्या हम उन शख्स को दुनिया में बाल्फ जिंदगी देंगे दुनिया के अंदर बालुत्फ सुकून वाले जिंदगी अमन वाले जिंदगी मजे लुत्फ किसको कहते हैं मजे को और आखिरत में उनकी अच्छे कामों की आवाज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको अजर अजीम अता फरमाएंगे आखिरत में अच्छे कामों की आवाज अल्लाह उनको, उनको अजर अता फरमाएगा अब मेरे दोस्तों मर्द और औरत के हकूक के बारे में क्या फर्क है मर्द के काम क्या के कि घर की बाहर जितनी काम है नौकरियां करना मजदूरी करना या तिजारत करना या कारोबार करना बाजारों में जाना लोगों से लेन देन करना घर से जितना भी काम है तमाम तर काम ये किसके है ये मर्दों की है कि तमाम तर चीजों को लाकर तुम महैया कर दो औरतों के लिए और औरत घर के मलका है रोजी रोजगार तलाश करने का काम मर्दों का है औरत का काम क्या है कि घर में रहें उमूरी खानदारी का अंजाम दें और फिर अपने शोहर की खिदमत भी करें अपने बच्चों की परवरिश करें अपने के साथ उसने करें, तो मर्द भी अपने बीबी के साथ हुस्न सुलूक करें जो औरत अपने शोहर के साथ अच्छा सुलूक करे अपने बच्चों की परवरिश करे और उमूर खानादारी में यानी घर के खाना पकाना रोटी बनाना या दीगर, अपने घर की सफाई सुथरे में हमेशा हर वक्त लगे रहे ऐसे औरत के बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ऐसे औरत हो जो ईमान रखती हो और नमाज भी पढ़ती होगी और उसकी बाद अपने बच्चों की परवरिश भी कर रहे होंगे अपने शोहर की खदमतगार भी हो तो ऐसे औरत के बारे में फरमाया कि सत्तर अवलिया से भी बढ़कर उसकी है